वालेकुम गाइस, होपफुली सब आप ठीक होंगे। तो एक बार फिर से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज पूरा दिन नहीं कर सका, तो मैंने अभी मुझे टाइम मिला है, तो मैंने कहा चलो अब थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। इस पर भी फोकस करना चाहिए क्योंकि ये भी एक कैरियर है। तो अब आज मैं सिर्फ आपको बिरयानी की रेसिपी बताना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैंने कहा अब वीडियो बनाता हूँ। तो चले मैं अभी मैं जा रहा हूँ बिरयानी का सामान लेने, आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ लेकर आऊँगा मैं। चले तो अब हम जा रहे हैं कुछ लेने के लिए, और बाइक मैं नहीं चलाऊंगा क्योंकि मैं बहुत थका हूँ, जिम करके आया था। तो अब चले चलते हैं वहाँ पे और माहौल देखते हैं कैसा। दरअसल काफ़ी टाइम हो गया है बिरयानी नहीं खाई, मैंने कहा आज बिरयानी बना लेते हैं। हर टाइम पिज़्ज़ा मंगवाते रहते हैं, तो अब बिरयानी की तरफ चलते हैं कि वो काफ़ी अरसा हो गया है, उसका टेस्ट भूल गया हूँ। तो अब टेस्ट देखते हैं कैसा है बिरयानी। तो अब हम ये पहुंच गए हैं चिकन की दुकान में, काफ़ी ज़्यादा चिकन पड़ा हुआ है, यहाँ तो खाली लग रहा है। यही पूछ रहे हैं कि है या नहीं, ख़त्म हो गया वो कह रहे हैं, कटा हुआ पड़ा हुआ है। सोच रहा हूँ ये ले लूँ या नहीं, चलें देखता हूँ। इस शॉप पे चिकन बंद ख़त्म हो गया था, तो अब हम यहाँ से दूसरी शॉप पे जा रहे हैं जो ये पास ही है, साथ ही गली के पास। ये रही दूसरी चिकन शॉप, यहाँ पे पड़े हुए हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बेचारे सोए हुए हैं। बेचारे शहीद होने जा रहे हैं, शहीद होके पेट में जाएंगे मेरे। वो देखें ये मुर्गे की ज़बह खाना है, इसको यहाँ ज़बह कर रहे हैं, तो ज़बह करके ना। तो यार ये बार बार सामने आ रहा है, देखने भी दे रहा है। तो यहाँ मैं चिकन लेने आया था, तो यहाँ पे एक लड़का बोला है, ये भाई हैं, तो इन्होंने भाई अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। मैंने कहा यार कर दो, मेरा ही फ़ायदा है। तो पूछ रहे थे कि किस चीज़ की आप वीडियो बना रहे हो, तो मैंने कहा कि व्लॉग बना रहा हूँ, मैंने व्लॉग शुरू किया है। तो इन्होंने मुझे सपोर्ट किया, तो मैं इनका थैंक यू कर रहा हूँ इसलिए। तो चले अब हम अपने चिकन की तरफ चलते हैं। ये देखें इन्होंने यहाँ पर देसी चिकन भी रखे हुए हैं, और इस साइड पर फार्मी कुकड़ जिसको कहते हैं, ये रखा है इन्होंने, साफ़ी मतलब कि काट के रखे हैं, इसके अलग से रेट लगाते हैं। तो अभी हमारा चिकन तैयार हो रहा है, वो सामने उसके कपड़े उतार रहे हैं चिकन के। ये देखें इन्होंने यहाँ पे देसी चिकन भी रखे हुए हैं, और इस साइड पे फार्मी कुकड़ जिसको कहते हैं, ये रखा है इन्होंने, साफ़ी मतलब कि काट के रखे हैं, इसके अलग से रेट लगाते हैं। तो अभी हमारा चिकन तैयार हो रहा है, वो सामने उसके कपड़े उतार रहे हैं चिकन के। तो ये हमारा चिकन आ गया, और अब इसको पीसेस कर रहे हैं, बल्कि साफ़ कर रहे हैं, साफ़ करके पीसेस करेंगे। तो चलें इनको काटने देते हैं, फिर हम देखते हैं कि हम आगे और क्या क्या चीज़ें लेनी, मुझे तो याद भी नहीं रही। तो ये हमारे चिकन के पीसेस रेडी हो गए हैं, और अब हम लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे यही सब होता है कि जब वीडियो बना रहे हो ना बाय रोड पे, तो लोग आ जाते हैं पूछने के लिए कि आपके किस मकसद के लिए वीडियो बना रहे हो, तो फिर सब्सक्राइबर भी मेरे इसी तरह ही आगे बढ़ते जाते हैं। तो मैंने कहा चलो यार अच्छी बात है, लोग देखेंगे तो मुझे फॉलो करेंगे ना, तो देखने दो इनको। और अभी थोड़ा सामान रह गया, चिकन ले लिया है, तो अभी मसाले शाले लेने हैं और दही लेना है आई थिंक सो। हाँ तो चले, तो अब हम निकल पड़े हैं सब्ज़ी लेने के लिए, और अंडे लेने हैं और दही लेना है, और अब चलते हैं अभी सब्ज़ी की शॉप पे आ गए हैं, दिखाता हूँ। ये रही सब्ज़ी की शॉप,
ये नहीं पता हमने लेना कि भाई को पता वो ले रहा है। सो अब सब्जी ले चुका हूँ, अब जा रहा हूँ लेने के लिए। क्या दही और अंडे रह गए हैं, अब वो लेना है और फिर हमने जाना है घर, क्योंकि घर काफ़ी सामान पड़ा हुआ था तो हमने कहा चलो जो थोड़ा बहुत रह गया वो ले लूँ अभी। तो अभी हम आ गए हैं कि अंडे और दही लेने, दूध की दुकान में इनसे मिल जाता है सब कुछ। चले आप देखते हैं अंदर जाके। ये हमारा दही भी तैयार हो गया है, तो पैक हो रहा है। पैक होने के बाद शापर में डालेगा, शापर में डालने के बाद सीधा मुझे पकड़ा देगा दही। तो अंडे भी ले लिए, वो ले रहा हूँ। ये हमारे अंडे भी तैयार हो रहे हैं, तैयार मतलब बैग में डाल रहे हैं। ये हमने दही ले लिया है और अंडे भी ले लिए। अब हम जा रहा हूँ घर, घर पे आपको मैं बताऊँगा कि बनता कैसे है, तो बनती कैसे है बिरयानी, तो आपको दिखाऊँगा साथ साथ और उसके बाद टेस्ट करके भी आपको बताऊँगा कैसी बनी है। तो गाइस अभी घर पहुँचा हूँ, तो अभी बस थोड़ा सा सामान रेडी कर लूँ ना बिरयानी का, कटिंग शटिंग कर लूँ, तो फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि बनता कैसे है। तो चले थोड़ी देर बाद मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड। तो ये चिकन मैंने डाल दिया है, उसके बाद घर के मसाले भी पहले डाल दिए थे क्योंकि ये बनेगा तो फिर आगे दही डालूंगा ना, ये थोड़ा जो सा पिकल जाए ना तो फिर उसके बाद मैं दही डालना। अब मैं डालूंगा इसमें दही, क्योंकि मसाला तो पहले मैं डाल चुकी थी। तो ये हमारा दही डाल गया और इसके बाद मैं डालना है क्यूब, जो हमारी सबसे स्पेशल चीज़ है जिसकी वजह से टेस्ट आता है। पहले इसको थोड़ा सा मिक्स कर दूँ क्योंकि जल ना जाए। ये हो गया मिक्स, इसका मतलब मिक्स मतलब कि मैरिनेट हो गया। ये है चिकन क्यूब, तो ये हमारा चिकन क्यूब एक हो गया, दूसरा भी मैंने खोल के रख दिया था वीडियो से पहले, तो ये दो डाल दिए। तो ये रह गई एक चीज़ काली मिर्च, जिसकी वजह से असली टेस्ट आता है, ये काली मिर्च डाल दी है। अब इसको मैंने मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स हो जाए ताकि इसका टेस्ट सारी बोटियों में लगे। एक बोटी में लगा तो फिर बाकी में टेस्ट नहीं आएगा। तो अब इसको वेट करते हैं, थोड़ा ये मेल्ट हो गया सारा। तो अभी इतनी देर होगी मैंने दम में रखा है, तो अब देखते हैं बन गया होगा। हाँ भी तो बन गई, चिपक रही नीचे से, थोड़ा चूल्हा इस्तेमाल कर दूँ। अब मैंने चूल्हा इस्तेमाल किया क्योंकि ज़्यादा रखा नीचे से चिपक रही है, तो सब डालना है इसमें धनिया क्योंकि बन चुकी हैं। अभी ये होगी हमारी हांडी तैयार। तो अब चावल भी मैंने बना के उबाल के रख दिए थे, अंडे भी उबले हुए हैं वो सब उबाल के रखे हैं। तो ये हमारे चावल उबले हुए हैं, तो ये हमने रखे हुए हैं अंडे भी उबाल के, इनको काटना है अभी। तो अब आ गया आलू फ्राई करने का टाइम, तो अब मैं इसको फ्राई करने लगाऊँ क्योंकि ये बिरयानी के बीच में जाएंगे, तो फ्राई किए बगैर मज़ा नहीं आता, तो टेस्ट नहीं होता। अब इसको वेट करना पड़ेगा मुझे तकरीबन 10-15 मिनट तक, ये बनेंगे तो फिर आपको दिखाऊंगा। गाइस अब ये हो चुकी है, तकरीबन लाइट ब्राउन है, तो मैं इसको सोच इसको उतार लूँ, ज़्यादा जल गया तो फिर मज़ा नहीं रहेगा, तो अब मैं इसको उतारने लगा। और ये उतार के इसके बाद फिर मैंने अभी इसको प्याज को भी फ्राई करना है, क्योंकि बिरयानी में प्याज ब्राउन ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता खाने का। एक मिनट सारे निकल जाए, बस थोड़ी सी रह गई।
डालने लगा हूँ प्याज, जो कि तेल गर्म है, और ये डाल देता है कि खतरे ऊपर ना गिरे। प्याज को थोड़ा सा डार्क ब्राउन होने दूंगा ताकि जला हुआ टेस्ट आए, वही मज़ा आता है बिरयानी में प्याज जला हुआ। प्याज ये देखें कि प्याज जो लाइट ब्राउन होना शुरू हो गया, बिल्कुल इसको डार्क ब्राउन करना है तब जाके मैं इसको निकालूंगा। तो अभी दोबारा से इसको लगाऊंगे ताकि तो बस गोल्डन होने का वेट करूँ। गोल्डन हो गया, डार्क ब्राउन होना है अभी इसको, जैसे जले हुए होते हैं सारा टेस्ट इसी का होता है। बस अब थोड़ा हिला रहा हूँ ताकि ये हो जाए जल्दी। तो ये देखें कि हो गए, जले हुए होते हैं जैसे होते हैं जले हुए, इतने क्रंची होते हैं। तो अब इसको निकाल रहा हूँ क्योंकि और ज़्यादा नहीं जलाना है, और ज़्यादा जल के तो फिर वो बिल्कुल मीठा हो जाता है प्याज। तो बस ये प्याज हो गया हमारा, अब हमें तो अब प्याज निकल आए, ये फाइनल स्टेप था हमारा। अब हमने बिरयानी की तह लगानी है, तो तह लगाते भी दिखाऊंगा कैसे लगाते हैं। और पहली लेयर लगाने के लिए हमें थोड़े से चावल रखने हैं ताकि ये नीचे देश का कवर हो जाए, और इसके बाद फिर इसके ऊपर हम थोड़ा सा माल डालें। तो अब दूसरी लेयर हम फ्राई आलू और हरी मिर्च की लगाएंगे, इसको पीछे कर। तो अभी सारे आलू नहीं डालने हैं, थोड़े से डालने हैं क्योंकि दूसरी लेयर में हम दूसरे आलू डालें और डालेंगे और। तो अभी ये अंडे उबाले थे, इसकी एक लेयर लगानी है, तो अभी ये डाल रहा हूँ। थोड़े से डालने हैं, सारे नहीं डालने हैं क्योंकि दो लेयर लगानी है, तो इसके लिए हमें अंडों की और ज़रूरत पड़ेगी, बस इतने बहुत। तो ये थोड़े से और डाल देता हूँ, और ये हो गए अंडे। अब डालना है जला हुआ प्याज जो होता है क्रंची, सारा टेस्ट इसी प्याज का होता है, ये ना हो तो बिरयानी का फ़ायदा ही नहीं होता। और बस इतना बहुत है। तो अब ये डाल लेंगे चिली सॉस जो टेस्ट होता है इसी का, जितनी ज़्यादा डलेगी उतना मज़ा ज़्यादा आएगा। तो अब ये डालनी है सोया सॉस, ये थोड़ा ही डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी। तो ये फर्स्ट लेयर तैयार हो गई है, तो अब दूसरी लेयर डालने जा रहा हूँ चावलों की। तेरे गैस पे डाल, ये दूसरी लेयर जाएगी क्योंकि अभी चिकन रहता है हमारा। अभी मैं इसको कवर कर रहा हूँ जो हमने नीचे माल डाला है। तो अब मैं अपना चिकन डालने लगा हूँ, ये देखें ओए होए इसकी जो खुशबू आ रही है। तो अब मैं चिकन की लेयर लगाने लगा हूँ। तो ये मैंने चिकन डाल दिया, और मैं इसको थोड़ा सा फिक्स कर रहा हूँ ताकि अपनी जगह पे आ जाए। और इसके बाद मैंने एक और चावलों की लेयर लगानी है, तो यहाँ भी आखिरी सारे चावल डाल दूँगा क्योंकि आखिरी लेयर के ऊपर सारे नहीं डालने, थोड़े से छोड़ने क्योंकि इसके बाद एक और लेयर लगनी है, इसमें बहुत है आई थिंक। और अब इसको कवर करना है चावलों को, वो बॉडियों को कवर करना है ताकि एक और लेयर लग सके। ये हमारे आलू रह गए थे जो कि अब आलू डाल रहा हूँ दोबारा से, जो फर्स्ट टाइम लगाई थी लेयर वही दोबारा लगानी उसी तरह। तो बीच में हरी मिर्चें भी हैं, वो भी जाएंगी। अब जाएगी अंडों की लेयर, इसको आराम से रखने पड़ते हैं, सारी उधर जो होती है जर्दी वो पक जाती है। तो ये अंडे जा रहे हैं, और अब जाएगा प्याज क्योंकि रह गया था।
इसको भी ऐसे खिलाना है, एक जगह नहीं डालना वरना मज़ा नहीं आएगा। फाइनल टच देना है पुदीना का, क्योंकि क्या इसकी जो स्मेल होती है ना वही सारा टेस्ट होता है। ये हमारा पुदीना चला गया और अब फाइनल लेयर जा रही, तो ये हमारी अब लास्ट लेयर जा रही चावलों की, तो क्योंकि ये फर्स्ट वाली चीज़ कवर करनी है, ये ना की तो फिर मज़ा नहीं रहेगा। हाथों से इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि अब इसमें चमचा क्या मारूँ मैं, थोड़े से रह गए थे, तो अब ये कवर हो गया, तो थोड़ा सा और सेट कर देता हूँ। तो ये मैंने लेमन जूस निकाल के रख दिया था, फ्रेश लेमन का, तो वो अब डाल रहा हूँ क्योंकि खटास ना हो तो चावलों का मज़ा नहीं आता। और तो अब ये हमारा तैयार हो गया, और अब मैं इसको दम देने लगा हूँ। दम के ऊपर ये रखना लाजमी है क्योंकि इसका वज़न रहेगा तो अंदर हीट जल्दी होगी तो जल्दी बनेगा, तो अब जब बन जाएगी फिर मैं आपको दिखाऊंगा। तो आधा घंटा हो चुका है और अब धुआं भी निकलना शुरू हो गया, मैं चेक करता हूँ दम को। ओए होए होए हो, सही परफेक्ट बन चुकी है। मैं ज़रा चूल्हा बंद कर लूँ, चूल्हा बंद हो गया और आप इसको तो मिक्स कर दें। ओए होए हो, ये चीज़ ये होती है असली बिरयानी। तो ये देखिए मैं मिक्स कर रहा हूँ और इतनी अच्छी स्मेल आ रही है कि दिल करे मैं इस यहीं देश के में बैठ के खाना शुरू कर दूँ, और अब थोड़ा सा सब्र कर लेता हूँ। और ये देखें ज़रा, ये जो टेस्ट मुझे आ रहा है ना वो आप फील नहीं कर सकते क्योंकि बहुत मज़े की बनी है। और जो रेसिपी मैंने बताई है उसी तरीके से बनाओगे तो टेस्ट आएगा, वरना फ़ायदा नहीं है। सो गाइस, होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि बिरयानी बहुत मज़े की थी और मैंने खाई है, ऑब्वियसली खाई थी। तो चलें अब आज की वीडियो मैं ये भी एंड करता हूँ, तो इंशाल्लाह कल मैं आपको दोबारा किसी नए कंटेंट के सामने के साथ हाजिर हूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तो अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।